इमरान साहब शहबाज शरीफ पेश हो गए हैं, अब कोरोना से निमटने पर तवज्जो दें, दिहाड़ीदार को रिलीफ पहुंचाएं। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा शहबाज शरीफ का असल जुर्म नालायक नाअहल और आटा चीनी चोरों की नालायकी और डाका बेनकाब करना है। नवाज शरीफ अदालत में पेश हो सकते हैं तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार क्यों नहीं। नैब न्याजी गठजोड़ सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें कायम कर रहा है। नैब से मालम जब्बा बीआरटी करप्शन में मुलव्वस मुजरिमों को बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। सबसे पहले तो मैं नैब न्याजी गठजोड़ और चेयरमैन नैब इस चोर दरवाजे की प्रेस रिलीज से झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके इस बयान को मुस्तरद करती हूं। इमरान साहब का मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, 125 अरब के पिशावर मेट्रो के खड्डे, 100 बिलियन जो दरख्त सुलेमानी टोपी वाले लगाए पिशावर में और केपीके में, उसका नैब कोई सवाल नहीं करता। अवाम के आटा चीनी चोर वजीर आजम और वजीर आला बुज़दार से नैब सवाल नहीं करती, क्योंकि उसके फेसेस और उनके केसेस नजर नहीं आते। माशी माहरीन के साथ, जरई माहरीन के साथ, पार्टी के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ मुशावरत करके इन नालायकों को तजावीज देते हैं। ये असल कसूर है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का असल कसूर, नवाज शरीफ का असल कसूर और मुस्लिम लीग नून का असल कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम नैब न्यायाधी गठजोड़ का डट के मुकाबला करेंगे। हालात ये आ गए हैं कि विरासती जमीन के सवालात कर रहे हैं। हर चीज जिस तरह मैंने बताया डिक्लेयर्ड है और इंशाल्लाह नैब और न्यायाधी दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी।